इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ये क्या होता है और ऐसे ही हिट से जुड़े हुए 5 पॉइंटर्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। और मैं ये बता दूं, 5th पॉइंटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपको कंफ्यूज भी करेगा, इसलिए बने रहना वीडियो में। What is HIIT? क्या होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग? इट इन्वॉल्व्स शॉर्ट इंटेंस एक्सरसाइजेस विथ लो इंटेंसिटी रिकवरी पीरियड्स। सेकेंड पॉइंट है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन वैरीज करना चाहिए 10 टू 30 मिनट्स विथ रिकवरी पीरियड। ये एक ऑप्टिमल टाइम रेंज है जिसके बीच आप हिट को फॉलो करते हो। थर्ड पॉइंट आता है कि विच एक्सरसाइजेस कैन बी इंक्लूडेड इन हिट वर्कआउट्स। आप कोई भी एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि साइकिलिंग, स्प्रिंटिंग, जंपिंग रोप और बर्पीज। आप कोई भी एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हो, जो आप लव करते हो उसे इंक्लूड करना, बस यही मेरा कहना है, क्योंकि आप उसको ही कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हो लॉन्ग रन के लिए। इसी के साथ अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो हिट ट्रेनिंग शेड्यूल को, लेट्स से मैं स्प्रिंटिंग करता हूं, मैं स्प्रिंटिंग कर रहा हूं प्लस जॉगिंग कर रहा हूं, ये मेरा एक शेड्यूल है हिट वर्कआउट का, और स्प्रिंटिंग मैं कर रहा हूं 30 सेकंड्स की, और उसी के साथ एक्टिव रिकवरी जो मेरा पीरियड है वो है जॉगिंग, जो मैं कर रहा हूं 90 सेकंड्स की। तो टोटल अगर मैं देखूं तो 120 सेकंड्स की पूरी एक सेट मेरा बनता है हिट वर्कआउट का, जो कि मुझे फॉलो करना है अराउंड 4 to 6 रेप्स के लिए। आप 4 to 6 रेप्स एक ऑप्टिमल रेंज है जिसपे लोग रिलाई करते हैं, जो लोग हिट करते हैं वो लोग 4 to 6 रेप्स के लिए जाते हैं, सेट्स के लिए जाते हैं, आप इसको फॉलो कर सकते। फोर्थ पॉइंटर आता है कि कितने रेप्स ऑप्टिमली लगाने चाहिए एक पर्सन को इन वन वर्कआउट। टिपिकली देखा गया है कि 4 to 6 रेप्स इन वन वर्कआउट विथ इंक्लूडिंग योर एक्टिव रिकवरी पीरियड हम लोग को हिट वर्कआउट को फॉलो करना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, ये जो 5वां पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो 5वां पॉइंट है क्या? 5वां पॉइंट है कि हिट इज नॉट फॉर यू। हिट हम लोग जैसे देख सकते हैं बहुत ही टाइम इफेक्टिव है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे निकल के आती है, एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर देखा गया कि पीपल हु बिगेन वर्किंग आउट स्ट्रेनसली ऑलमोस्ट एवरी डे डेवलप सडन एंड सीवियर डिक्लाइंस इन द फंक्शन ऑफ देयर माइटोकॉन्ड्रिया विच आर द एनर्जी पावर हाउसेस इनसाइड ऑफ सेल्स अलोंग विद इंसिपेंट साइंस ऑफ ब्लड शुगर डिसफंक्शन। जैसे कि आप देख सकते हो, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज हर के लिए वैलिड है, लेकिन अगर आप हिट कार्डियो हिट वर्कआउट को फॉलो कर रहे हो, हिट ट्रेनिंग को फॉलो कर रहे हो, प्लीज अपना माइंड खोल के फॉलो करना। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हो, बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको कुछ ना कुछ बीमारी है, ब्लड शुगर लेवल्स उनके डाउन है, हाई है, उनके लिए प्लीज ये ट्रेनिंग है, हिट ट्रेनिंग है, ये प्लीज वो फॉलो ना करें, या अपने डॉक्टर से कंसर्न लेके प्लीज फॉलो करें। अगर आपको जानना है कि इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे इस पॉइंट्स के साथ क्यों मैच किया, तो आप जाके आई बटन पे वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये पॉइंटर मुझे भी वहीं से स्ट्राइक हुआ, मुझे वहीं से याद आया कि यस, ये पॉइंटर यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थे कुछ पॉइंटर्स अबाउट हिट कार्डियो, और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एज बीइंग अ नेचुरल लिफ्टर, एज बीइंग अ नेचुरल बॉडी बिल्डर और अ नॉर्मल पर्सन, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है हाई इंटेंसिटी हिट कार्डियो या लो इंटेंसिटी या मॉडरेट इंटेंसिटी मॉडरेट स्टेडी स्टेट कार्डियो। क्या चीज ज्यादा आप प्रेफर करना चाहोगे एज बीइंग अ नेचुरल लिफ्टर, एज बीइंग अ नेचुरल बॉडी बिल्डर। टिल देन कीप लिफ्टिंग एंड बी स्ट्रॉन्ग। पीस।